नमस्कार दोस्तों, आज की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। चलिए नजर डालते हैं आज की बड़ी हेडलाइंस पर। फर्जी राशन कार्ड पर नहीं मिलेगा गेहूं चावल, इस तरीके से हो जाएंगे लिस्ट से बाहर। इसके बाद हम जानेंगे कि भारत ने लगाया टिकटॉक पर बैन, तो बर्बादी के कगार पर पहुंची कंपनी, अब चीन में बना ऑफिस भी हो सकता है बंद। इसके बाद हम जानेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा विकास दुबे के एनकाउंटर की जांच के लिए पूर्व जज की अध्यक्षता में पैनल बनाने पर विचार कर सकते हैं। इसके अलावा अच्छी खबर आई है, कोरोना वैक्सीन की टैक्सोसिटी स्टडीज सफल, अब इंसानों पर ट्रायल शुरू। अगली बड़ी खबर में हम जानेंगे कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पहली बार दी टैक्स पेयर्स को इतनी बड़ी राहत, ऐसे करे घर बैठे अपना ITR वेरीफाई। आज की पहली बड़ी खबर में पेश है चीनी बीमारी का बिल्कुल ताजा अपडेट पूरे देश भर से। देश में संक्रमितों की संख्या 9,11,629 हो गई है। अब तक 5,73,991 लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि 3,13,496 लोगों का इलाज चल रहा है। 23,788 लोगों की जान जा चुकी है। ये आंकड़े covid19india.org के मुताबिक है। इस बीच इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च ने अच्छी खबर दी है। मंगलवार को काउंसिल के डायरेक्टर जनरल बलराम भार्गव ने बताया कि देश में कोरोना के दो वैक्सीन पर काम चल रहा है, इनका चूहों और खरगोश पर ट्रायल हो चुका है। वैज्ञानिकों ने इसकी रिपोर्ट डायरेक्टर जनरल हेल्थ को दे दी है। इसके पास होते ही इस महीने के आखिरी से इन वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल शुरू कर देंगे। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। फर्जी राशन कार्ड पर नहीं मिलेगा गेहूं चावल, इस तरीके से हो जाएंगे लिस्ट से बाहर। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना पार्ट 2 के तहत सरकार जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, उनको भी 5 किलो मुफ्त गेहूं या चावल और 1 किलो चना नवंबर महीने तक दे रही है। सरकार ने देश की मौजूदा स्थितियों को आगामी महीनों में देश में होने वाले त्योहारों को देखते हुए इस योजना को नवंबर 2020 तक बढ़ा दिया है। इसके तहत देश के 80 करोड़ से अधिक NFSA को उनकी मासिक पात्रता के अलावा प्रति व्यक्ति 5 किलो गेहूं अथवा चावल तथा प्रत्येक परिवार को 1 किलो चना उपलब्ध कराया जाएगा। लेकिन इसी बीच कुछ फर्जी राशन कार्ड से संबंधित मामले भी सामने आए हैं, जिन पर कई महीनों से किसी ने अनाज नहीं लिया है। अगर राशन कार्ड नकली है तो इस पर अनाज नहीं मिलेगा, इस तरह से कट जाएगा लिस्ट से नाम। मिली जानकारी के मुताबिक मध्य प्रदेश के कटनी में नकली राशन कार्ड के आधार पर राशन नहीं मिलेगा। साथ ही अगर किसी के राशन कार्ड पर पिछले 3 माह से राशन नहीं लिया गया है। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर। भारत ने लगाया टिकटॉक पर बैन, तो बर्बादी के कगार पर पहुंची कंपनी, अब चीन में बना ऑफिस भी हो सकता है बंद। भारत में बैन टिकटॉक ऐप अब चीन से नाता तोड़ना चाहता है। ByteDance लिमिटेड ने कहा है कि अपने टिकटॉक कारोबार के कॉर्पोरेट ढांचे में बदलाव करने की सोच रहा है। कंपनी ने कहा कि अमेरिका की चिंता मूल कंपनी के चीनी ओरिजिन को लेकर है। इसको लेकर कंपनी के अधिकारियों की बैठक हुई। बैठक में शामिल एक अधिकारी के मुताबिक इसमें टिकटॉक के लिए एक नया मैनेजमेंट बोर्ड बनाने और चीन के बाहर ऐप के लिए एक अलग मुख्यालय स्थापित करने जैसे विकल्पों पर चर्चा की गई है। न्यूज एजेंसी ब्लूमबर्ग के मुताबिक शॉर्ट वीडियो और संगीत ऐप टिकटॉक का ByteDance से अलग अपना मुख्यालय नहीं है, ये चीन के कैमेन आइलैंड्स में स्थित है। वैश्विक आधार पर टिकटॉक अपना नया हेडक्वार्टर खोलने के लिए कई स्थानों पर विचार कर रहा है। बता दें इसके 5 सबसे बड़े कार्यालय लॉस एंजेल्स, न्यूयॉर्क, लंदन, डबलिन और सिंगापुर में है। बात करेंगे आज की अगली बड़ी खबर की। कोरोना संकट के बीच इस भारतीय ई कॉमर्स कंपनी ने जुटाया $1.2 अरब का निवेश। ई कॉमर्स क्षेत्र की दिग्गज भारतीय कंपनी फ्लिपकार्ट ने वॉलमार्ट की अगुवाई वाले निवेशकों के समूह से $1.2 अरब की राशि जुटाई है। फ्लिपकार्ट में वॉलमार्ट की मेजोरिटी हिस्सेदार है। वॉलमार्ट में 2018 में $16 अरब का निवेश कर फ्लिपकार्ट की 70% हिस्सेदारी का अधिग्रहण कर लिया था। फ्लिपकार्ट ने कहा कि नए निवेश के इस चरण में समूह के मौजूदा शेयर धारकों ने भी हिस्सा लिया। फ्लिपकार्ट को दो चरणों में मिलेगा पूरा निवेश। फ्लिपकार्ट का मूल्यांकन इस निवेश के बाद $24.9 अरब हो गया है। कंपनी की ओर से बताया गया है कि उसे यह वित्त पोषण वित्त वर्ष 2020-21 की बची हुई अवधि के दौरान दो चरणों में मिलेगा। फ्लिपकार्ट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कल्याण कृष्ण मूर्ति ने कहा है कि कंपनी में वॉलमार्ट के शुरुआती निवेश के बाद से हमने प्रौद्योगिकी भागीदारी और नई सेवाओं के जरिए अपनी पेशकश का काफी विस्तार किया है। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर। इस भारतीय फार्मा कंपनी को मिली कोविड की दवा फेविपिराविर बनाने की अनुमति। बायोफेयर इंडिया फार्मास्यूटिकल्स ने ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी DCGI से
कोविड-19 की दवा वेफीपिराविर के निर्माण का लाइसेंस प्राप्त किया है। इस दवा का इस्तेमाल कोविड-19 हल्के से मध्यम मामलों में किया जाता है। इसके अलावा DCGI की ओर से भारत में एक्टिव फार्मास्यूटिकल्स इंग्रेडिएंट्स का उत्पादन और इसके निर्यात के लिए भी मंजूरी दी गई है। बायोफोर इंडिया ने कहा कि तुर्की में एक स्थानीय साझेदार के सहयोग से API का निर्यात करने के लिए भी मंजूरी मिली और इसके अलावा कंपनी भारत में उत्पाद का व्यवसायीकरण करने के लिए कई भारतीय भागीदारों के साथ बातचीत कर रही है। वहीं इसके निर्यात के लिए बांग्लादेश और मिश्र की कंपनियों के साथ निर्यात के लिए बातचीत जारी है। बायोफोर के फाउंड और चीफ साइंटिस्ट ऑफिसर मणिक रेड्डी पुल्ला गुरला ने कहा है कि कोविड-19 महामारी ने दवा कंपनियों को सुरक्षा पर समझौता किए बिना प्रभावी समाधानों को जल्दी से जल्दी स्थापित और विकसित करने की आवश्यकता पर जोर दिया है। हमने सुनिश्चित किया है हमारे फेविपिराविर गुणवत्ता के उच्चतम मानकों को पूरा करते हैं। उन्होंने कहा, हमारे विनिर्माण सुविधाएं अमेरिका और यूरोपीय संघ के नियमों का पालन करती है और हमारे पास ये सुनिश्चित करने के लिए कड़े आंतरिक इम्प्योरिटी कंट्रोल और गुणवत्ता जांच करते हैं। बात करेंगे आज की अगली बड़ी खबर की। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पहली बार दी टैक्स पेयर्स को इतनी बड़ी राहत, ऐसे करें घर बैठे अपना ITR वेरीफाई। CBDT ने बताया कि जिन टैक्स पेयर्स ने अपने रिटर्न्स को वेरीफाई नहीं किया है उन्हें सितंबर के अंत तक इसे वेरीफाई करने का मौका दिया जा रहा है। टैक्स पेयर्स ITR वी फॉर्म की साइंड कॉपी इनकम टैक्स विभाग को भेज सकते हैं। यह पांच इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में से किसी भी तरीके से वेरीफाई करा सकते हैं। आपको बता दें कि बिना वेरिफिकेशन के इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया अधूरी है। वेरिफिकेशन के बाद ही आयकर विभाग आपको आपके ITR को प्रोसेस करता है। अगर किसी टैक्स पेयर्स ने तय तारीख तक ITR फाइल कर दिया है लेकिन अगले 120 दिन में उसका वेरिफिकेशन नहीं करता है तो आयकर विभाग यह मानता है कि आपने ITR फाइल ही नहीं किया है। इस स्थिति में आयकर विभाग आपको नोटिस जारी कर सकता है। बात करेंगे आज की अगली बड़ी खबर की। शिवसेना ने मुखपत्र में लिखा, पायलट की महत्वाकांक्षा मुख्यमंत्री बनने की है, उनका अहंकार राजस्थान की सरकार को अस्थिर कर रहा है। राजस्थान में जारी सियासी हलचल के बीच शिवसेना ने बागी तेवर अख्तियार करने वाले सचिन पायलट की तुलना चूहे से की है। शिवसेना ने पार्टी के मुखपत्र सामना की संपादकीय में लिखा है, सचिन पायलट का अहंकार राजस्थान सरकार को अस्थिर करने के पीछे भाजपा का हाथ। इसके लिए शिवसेना ने भाजपा को जिम्मेदार ठहराया है। सामना ने लिखा है, गढ़वाल में सैनिकों की शहादत को भूलकर भाजपा राजस्थान में खरीद फरोख्त में लगी है। एक ओर जहां देश कोरोना संकट से जूझ रहा है वहीं भाजपा ने कुछ अलग ही उपद्रव मचाया हुआ है। इस दौरान भाजपा ने मध्य प्रदेश में कांग्रेस की कमला सरकार गिराई। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, विकास दुबे के एनकाउंटर की जांच के लिए पूर्व जज की अध्यक्षता में पैनल बनाने पर विचार कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश के कानपुर शूटआउट मामले में सुप्रीम कोर्ट एक पैनल गठित कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को गैंगस्टर विकास दुबे और उसके साथियों के एनकाउंटर की कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग वाली याचिका सुनी। अदालत ने कहा कि विकास दुबे उनके साथियों के एनकाउंटर और 8 पुलिस वालों की हत्या के मामले की जांच के लिए पूर्व जज की अध्यक्षता में एक पैनल के गठन पर विचार कर सकती है। सुनवाई के दौरान यूपी सरकार ने अदालत से कहा कि हम एनकाउंटर के सिलसिले में एक स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करेंगे। इस मामले पर कोर्ट अब 20 जुलाई को सुनवाई करेगी। 2 जुलाई को बिकरू गांव में पुलिस टीम पर विकास दुबे और उसके गैंग ने हमला कर दिया था। इसमें CO समेत 8 पुलिस वाले मारे गए थे। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर। मोदी 3 या 5 अगस्त को अयोध्या जा सकते हैं, कोरोना के चलते भीड़ भाड़ नहीं होगी, चुनिंदा केंद्रीय मंत्री रहेंगे मौजूद। श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण की औपचारिक शुरुआत के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 या 5 अगस्त को अयोध्या का दौरा कर सकते हैं। वह मंदिर निर्माण प्रतीकात्मक शुरुआत करेंगे। सूत्रों के मुताबिक कोरोना संकट के चलते कार्यक्रम में भीड़ नहीं रहेगी। गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित कुछ केंद्रीय मंत्री और भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा मौजूद रह सकते हैं। ट्रस्ट की अगली बैठक 18 जुलाई को होनी है। प्रधानमंत्री के दौरे की औपचारिक घोषणा अगले हफ्ते होने की उम्मीद है। कोरोना संकट के कारण अप्रैल में होने वाले श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट की दूसरी बैठक टल गई थी। बैठक अब 18 जुलाई को अयोध्या में होगी। इसमें प्रधानमंत्री के कार्यक्रम, मंदिर निर्माण पर संभावित खर्च का आकलन, अभी तक मिले दान समेत कई मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। अगली बड़ी खबर, लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस समारोह इस बार अलग होगा। स्कूली बच्चों के बजाय 1500 कोरोना विनर्स इसका हिस्सा बनेंगे।
कोरोना महामारी के कारण भारत के इतिहास में पहली बार लाल किले में स्वतंत्रता दिवस समारोह अलग ढंग से मनाया जाएगा। पिछले साल की तुलना में इस साल केवल 20% वीवीआईपी या दूसरे लोग प्रधानमंत्री मोदी के लाइव भाषण को देख पाएंगे। इस बार समारोह में महामारी में जीतने वाले 1500 कोरोना विनर शामिल होंगे। इस समारोह में बच्चे नहीं शामिल हो सकेंगे। रक्षा सचिव अजय कुमार और एएसआई डायरेक्टर जनरल ने पिछले हफ्ते लाल किले का दौरा कर तैयारियों का जायजा लिया था। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर। सरकार बचाने के लिए गहलोत का दाव, 16 जुलाई को हो सकता है मंत्रिमंडल का विस्तार। 3 मंत्रियों की बर्खास्तगी के बाद 8 पद खाली। सचिन पायलट को उप मुख्यमंत्री पद से बर्खास्त करने के बाद अब अशोक गहलोत नाराज विधायकों को साधने में जुट गई है। सूत्रों के अनुसार नए घटनाक्रम में अशोक गहलोत अब 16 जुलाई को मंत्रिमंडल का विस्तार कर सकते हैं। इसमें उन विधायकों को जगह मिल सकती है जो नाराज है। गहलोत ने आज शाम 7:30 बजे मुख्यमंत्री आवास में कैबिनेट मंत्रियों की बैठक बुलाई है। चर्चा है कि इस दौरान सभी मंत्री सामूहिक तौर पर इस्तीफा दे सकते हैं। करेंगे आज की अगली बड़ी खबर की अच्छी खबर। कोरोना वैक्सीन की टॉक्सिसिटी स्टडी सफल, अब इंसानों पर ट्रायल। देश में कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज को लेकर एक खुशखबरी है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी ICMR ने बताया है कि कोरोना के इलाज के लिए 2 स्वदेशी वैक्सीन का ट्रायल चल रहा है। वैक्सीन की जानवरों पर टॉक्सिसिटी स्टडीज सफल रही है। ICMR के महानिदेशक डॉक्टर बलराम भार्गव ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि अध्ययन के आंकड़े देश के ड्रग कंट्रोलर जनरल यानी कि DGCI को भेज दिए गए हैं। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपका क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबाएं। साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।